गुड मॉर्निंग, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, इन चैप्टर 8 and 9 वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्सेस एज द कोज ऑफ मोशन। मोशन मतलब कोई भी चीज़ गति में होती है ना, मूवमेंट में होती है, तो उसके पीछे कारण क्या होगा? अपने आप तो कोई गति में नहीं आ जाता, गाड़ी अपने आप चलती है? नहीं चलती ना, चाबी चालू की फिर भी नहीं चलती, लीवर दोगे तभी चलेगी, है ना। तो उसके पीछे कारण क्या है? फोर्स, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन। तो उसके ऊपर कोई धक्का लगेगा तो वो चीज़ घूमेगी, है ना, थोड़ी देर जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना धक्का दिया था उसकी जो असर थी वो ख़त्म हो गई। अब वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, द मून गोज अराउंड द अर्थ। इन ऑल दिस केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, the planets and on the moon। अभी हम सबको पता है कि अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू घूम रही है गोल गोल, राइट। मून जो है वो अर्थ के आजू बाजू घूमता है और दूसरी सारी प्लैनेट सन के आजू बाजू घूमती है। तो उनके अंदर कोई हमने पेट्रोल भर के रखा है, चाबी भर के रखी है, तो वो है तो मोशन में घूम रही है ना। तो कोई भी चीज़ घूमती है तो उसको पहले धक्का तो मारना पड़ेगा ना हमें, तभी तो वो चीज़ गति में आएगी। तो ऐसा उसको किसने फोर्स भर दिया है कि कितने सालों से वो गोल गोल घूमे ही जा रहे हैं? और कितनी भारी होती है पृथ्वी? अगर आपको साइकिल को धक्का देना है, मैं बोलूँ साइकिल को धक्का दो और जुबली ग्राउंड तक ले जाओ, तो क्या आप थक जाओगे? इतना नहीं थकोगे ना। और अगर मैं बोलूँ बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अभी इसको जुबली ग्राउंड तक पैदल ले चलो, तो बाइक में वज़न होता है तो आपको ज़्यादा धक्का लगाना पड़ता है, तो थोड़ा जाके पसीने पसीने हो जाओगे, थक जाओगे। अभी कंपेयर करो, साइकिल को जुबली ग्राउंड तक ले जाना है घसीटते और बाइक को ले जाना है, तो किस में ज़्यादा थक जाओगे? बाइक में। अगर मैं बोलूँ अभी मैं फोर व्हीलर मारुति, उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अभी उसको घसीटते हुए ले जाओ, तो कितना धक्का देना पड़ेगा उसको? थोड़ी और ताकत लगानी पड़ेगी। तो पूरी पृथ्वी कितनी हैवी होती है, तो सारे प्लैनेट्स कितने हैवी होते हैं, उसको अगर हमें घुमाना है गोल गोल, तो उसको फोर्स कंटिन्यूसली मिल रहा होगा ना, कितने सालों से गोल गोल घूमे ही जा रहे हैं, तो उसको कितने घुमाया होगा और कितनी स्पीड से धक्का मारा होगा कि आज तक गोल गोल घूम ही रहे हैं, है ना। सर आइज़ैक न्यूटन कुड ग्रास्प दैट द फोर्स, सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर देखो मैं कोई भी चीज़ ऊपर फेंकता हूँ तो कहाँ आती है? नीचे आती है ना। अभी मैंने इसको इतना ही धक्का दिया तो ये यहाँ तक आई, है ना। मैं इसको और फोर्स से धक्का मारूंगा तो थोड़ी और ऊपर जाएगी, लेकिन वापस आएगी तो नीचे ही। और भी जोर से धक्का दूं, है ना, तो थोड़ी और ऊपर जाएगी लेकिन वापस आएगी नीचे। तो जितना ताकत से धक्का दूंगा वो उतनी ऊपर जाएगी, लेकिन फिर धक्के की असर ख़त्म होकर वो वापस नीचे आएगी। तो इन सब के पीछे कारण जो है वो ग्रेविटेशन है, न्यूटन ने निकाला, राइट, स्टडी करने के बाद, कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ है, फिर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में ही लॉ चलता है। अभी देखो हेलमेट पहनने का लॉ है, है ना, तो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। लेकिन अगर बाहर की कंट्री में आप कहीं पर जाओगे, देखोगे तो जो भी मोटरसाइकिल पे होगा उसके ऊपर कंपलसरी हेलमेट होगी, है ना।
तो लो तो है लेकिन फॉलो करने वाले बहुत कम है, लेकिन यूनिवर्सल मतलब हर जगह पर वो लो फॉलो होता है, इसका मतलब है यूनिवर्सल लो है वो। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ ए बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट इन द लिक्विड। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग इज ग्रेविटेशन, राइट। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगाता रहता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेस ए सर्टन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड्स। किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका जाए थोड़ी देर बाद वो नीचे ही वापस गिरती है। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज sitting under a tree an apple fell on him, the fall of an apple made the Newton start thinking. He thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? Is the force the same in both the cases? He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. He argued that each point of its orbit the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line, so it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. अब न्यूटन एक बार गार्डन में बैठा था ऐसे ही, और ऊपर से एक एप्पल उसने देखा कि नीचे गिरा, तो वो सोच में पड़ गया कि वो एप्पल पेड़ से गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? कोई भी चीज़ नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ उसको खींचती है अपनी तरफ, है ना? अगर आप प्लेन बनाओगे कागज़ का और प्लेन बना के उड़ाओ, है ना, तो हवा में थोड़ी देर ऊपर उठेगा और फिर धीरे से वापस नीचे गिरेगा। तो चाहे कितना भी हल्की से हल्की चीज़ हो या भारी से भारी चीज़ हो, सभी चीज़ को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए तो सब नीचे अर्थ के ऊपर ही गिरते हैं, राइट। तो मून जो है वो अर्थ के गोल गोल घूम रहा है, तो अर्थ भी उसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन वो मून जो है वो अर्थ के ऊपर आके गिरता नहीं है, राइट। वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना के रखता है, मतलब वो उसी अर्थ से यहाँ पर होगा तो भी इतनी दूरी पे होगा, यहाँ पर होगा तो भी इतनी दूरी पे होगा, और यहाँ पर होगा तो भी इतनी दूरी पे होगा, मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस। रेडियस क्या होता है पता है ना? सर्कल बनानी है हमें कोई, तो एक पर्टिकुलर सेंटर होता है सर्कल का, राइट। और जहाँ तक वो सर्कल जाती है, राइट, तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का जो आउटवर्ड डायरेक्शन होता है वहाँ से लेके सेंटर जो होता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो मून जो है वो पर्टिकुलर रेडियस में ही अर्थ के आजू बाजू में घूमता रहता है, ना तो कभी अर्थ से ज़्यादा नज़दीक आ जाता है ना अर्थ से कभी ज़्यादा दूर चला जाता है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही गोल गोल घूमता रहता है, राइट। जैसे आपकी साइकिल है, साइकिल में दो पहिए हैं, है ना, अगला पहिया और पिछला पहिया, उन दोनों के बीच में कोई एक डिफरेंस है ना, जगह रखी हुई है, एकदम टच टू टच नहीं है अगला पहिया और पिछला पहिया, थोड़ी सी जगह रखी है हमने, तो अगला पहिया आगे जाएगा तो पिछला पहिया उतना ही उसके पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने जोड़ के रखा है दोनों को, साइकिल के बीच की जो डंडी होती है वो दोनों पहियों को जोड़ के रखती है, अगला पहिया जितना आगे जाएगा पिछला पहिया भी उतना ही उसके पीछे आएगा, है ना। अगला पहिया जहाँ जाके रुक जाएगा पिछला पहिया भी वहाँ जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों को हमने एक लकड़ी जिसको बोलते हैं डंडी से बंधे हुए हैं साइकिल से दोनों, लेकिन अर्थ और मून जो है वो किसी डंडी से बंधे हुए नहीं है, फिर भी वो अपना बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, राइट। कैसे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन द मून बाय रिकॉलिंग एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करनी है हमें, क्या करनी है?
एक धागा लो, धागे का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ो और धागे के दूसरे सिरे पे एक पत्थर बांध दो, है ना। अभी आप गोल गोल घुमाओ उसको, तो पत्थर चाहे यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, उसका डिस्टेंस आपके हाथ से उतना ही होगा जितना लंबा हमने धागा रखा है ना। और हम लोग गोल गोल घुमा रहे हैं ऐसे ऊपर से, तो सेंटर से लेके पीछे भी उतना ही जाएगा, आगे भी उतना ही जाएगा और साइड में भी उतना ही जाएगा, राइट। अभी थोड़ा सा ऐसे घुमाओ एकदम स्पीड में, जैसे ही वो स्पीड पकड़ लेना फिर उसको छोड़ दो धागे को, तुम्हारे हाथ में जो धागा है ना उसको छोड़ दो, राइट। तो होगा क्या, अभी देखो ये इसका सेंटर है, राइट, और पत्थर यहाँ तक बंधा हुआ है। जब हम उसको गोल गोल घुमाते हैं तो वो इस एरिया में गोल गोल घूमेगा, राइट। अभी जैसे ही वो स्पीड पकड़ के हमने इसको छोड़ दिया, व्हेन द स्टोन वॉज हियर, जब पत्थर यहाँ पर था और हमने छोड़ा, तो अब पत्थर ये गोल नहीं घूमेगा, जहाँ पर छोड़ा वहाँ से वो सीधा इस तरफ जाएगा। अगर ये पत्थर यहाँ पर होता और हमने छोड़ा होता तो वो सीधा यूं जाता, यूं टर्न में नहीं जाता, राइट। अगर यहाँ पर होता पत्थर और हमने छोड़ दिया होता तो ये पत्थर यहाँ पर जाता, राइट। Before the thread is released, the stone moves in a circular path with a certain speed and changes the direction at every point. The change in direction involves the change in velocity or the acceleration. The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. This force is called the centripetal, meaning center seeking force. अभी देखो जैसे वो चीज़ गोल गोल घूम रही है ना, अभी वो इस तरफ घूम का, यहाँ पर घूमा, इधर घूमा, तो वो सेंटर से बंधा हुआ है, जहाँ पर सेंटर में हमने पकड़ रखा है ना, तो वो स्टोन जो है ना वो सेंटर से कंट्रोल हो रहा है, तो वो यहाँ पर भी जाएगा तो भी इतना ही डिस्टेंस, यहाँ पर जाएगा तो भी इतने, क्यों, क्योंकि चाहे वो यहाँ पर हो, अभी आप देखो आपको मम्मी से ज़्यादा लगाव है, एग्जांपल है ना, आपको मम्मी के बगैर मज़ा नहीं आती कहीं पर भी, एग्जांपल, तो चाहे आप अपने रिलेटिव के घर पे जाएं तो भी तुम्हारा ध्यान मम्मी को याद करेगा, स्कूल में आओगे मम्मी याद आएगी, शादी में गए हो मम्मी याद आएगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारा माइंड मम्मी की तरफ अट्रैक्टेड है, बोला राइट। तो तुम्हारा सेंटर फोकस कहाँ पर है, मम्मी की तरफ, तो यहाँ पर जो पत्थर गोल गोल घूम रहा है उसका फोकस कहाँ पर है, सेंटर पे, है ना। जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया, अब वो कनेक्शन छूट गया, तो उसका वो सेंटर की तरफ नहीं रहेगा, वो कहीं और डायरेक्शन में चला जाएगा, 90 डिग्री वाले में, है ना। तो जब तक वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका सेंटर की तरफ अट्रैक्शन रहता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंटर को वो सीक करता रहता है, मेरे को सेंटर में जाना है, मेरे को सेंटर में जाना है, मेरे को सेंटर में जाना है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फील्स ऑफ along a straight line, this straight line will be a tangent to the circular path. अभी जब आप उसको छोड़ दोगे, जिस वक्त उसका सेंटर से नाता छूट गया, तब वो सेंटर की तरफ आने की नहीं सोचेगा, वो सर्कल जो थी उसका एक टेंजेंट जाता है। What do you know? टेंजेंट क्या होता है पता है? कोई भी एक सर्कल होती है,
राइट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो कोई एक लाइन इसको यहां से पास हो रही है टच होते हुए, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रही है और वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये लाइन जो है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर वो दो पॉइंट को टच करती है सर्कल को, एक यहां पर और एक यहां पर, तो ये टेंजेंट नहीं कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्ड, राइट। अगर वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिस्टेंस इतना जो है वो है रेडियस उसका, राइट, दो पॉइंट पे टच कर रही है तो हो सकता है ये इसका डायमीटर हो। तो टेंजेंट मतलब कोई भी एक पॉइंट पे टच करती है, तो अगर यहां पर एक पॉइंट की बात करें, टेंजेंट मतलब तो पत्थर या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अभी इस डायरेक्शन में कब जाएगा? जब वो पत्थर ऐसे घूम रहा था, राइट, ऐसे घूम रहा था और यहाँ पर आया और हमने छोड़ा, तो पत्थर इस तरफ जाएगा। अगर हम पत्थर को इस तरफ घुमा रहे थे और यहीं पर आके छोड़ दिया, तो पत्थर इस डायरेक्शन में आएगा। अंडरस्टूड? तो जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है लाइन, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, राइट। जब तक वो बंधा हुआ था तो पत्थर हमेशा सेंटर में जाने की कोशिश करता था, राइट। जब हमने छोड़ दिया तो पत्थर स्ट्रेट लाइन में जाना शुरू कर देगा, जहां पर भी छोड़ेंगे ना। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडरलाइन करना है तो कर लो, है ना। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मून जो है वो अर्थ के गोल गोल क्यों घूम रहा है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके लिए घूम रहा है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, राइट। लेकिन मून का वजन जो है वो इतना ज़्यादा हो सकता है, समझने के लिए, कि वो अर्थ की तरफ खिंचाव नहीं आ रहा है और अर्थ से दूर भी नहीं जा पा रहा है, लेकिन अर्थ के इर्द गिर्द गोल गोल घूमता रहता है। इफ देर वेर नो सच फोर्स, अगर ऐसा कोई धक्का या फोर्स नहीं होता, द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अगर अर्थ उसको खींच नहीं रही होती तो मून जो है वो सीधे डायरेक्शन में कहीं चला गया होता, बहुत दूर, हमको दिखेगा भी नहीं, राइट। इट इज सीन दैट ए फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। डस द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। अभी हम बोल रहे हैं कि एप्पल अगर ऊपर से नीचे गिरा, है ना, तो अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है कि एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि अर्थ का वजन ज्यादा है एप्पल से, तो ऑब्वियसली जिसका वजन कम है वो ही खींचेगा ना अपनी तरफ, तो एप्पल अर्थ की तरफ खींचा आता है, एप्पल अर्थ को नहीं खींच सकता, है ना। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी देखो, मोशन के तीन रूल्स हैं अलग अलग, है ना। पहला रूल क्या बोलता है? कि किसी भी चीज़ को धक्का दिया जाए तो वो घूमेगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ, जैसे आपको मम्मी से लगाव है ना, मम्मी को भी आपसे लगाव है ना। मम्मी चाहे कोई भी काम करे, उसका ध्यान पूरा दिन आप में ही होगा, और आप कहीं पर भी रहे, पूरा दिन ध्यान मम्मी में रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ को एप्पल अट्रैक्ट नहीं करता, अर्थ भी अपनी तरीके से अट्रैक्ट करता है। अभी देखो, मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि तुम मम्मी को ज़्यादा प्यार करते हो कि मम्मी तुमको ज़्यादा प्यार करती है, कैसे पता लगाओगे?
क्योंकि प्यार का कोई मेजरमेंट तो आता नहीं है कि स्केल रखी पता चली राजवल अपनी मम्मी को 70% प्यार करता है, मम्मी के स्केल रखी मम्मी इसको 90% प्यार करती है, ऐसा तो पता नहीं लगता ना, राइट? पता कब लगेगा कि राजपाल को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है लेकिन मम्मी ने मना कर रखा है कि आइसक्रीम नहीं खानी है, मम्मी तो घर पे है नहीं तो मैं आइसक्रीम खा लूँगा, मम्मी को कैसे पता चलेगी, तो आइसक्रीम खा ली, मम्मी को तो पता नहीं चली लेकिन मम्मी ने मना किया था इसके बावजूद तुमने खाई, मतलब तुमने मम्मी का मान नहीं रखा। अगर मम्मी का कहा मानते तो मम्मी चाहे देख रही हो ना देख रही हो, हाजिर हो के ना हो, मना किया है तो नहीं खाऊंगा, फिर चाहे मेरा दोस्त कितना भी खिलाए, मुफ्त में खिलाए, भले पैसे ना देने पड़े, है ना, फिर भी नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। तो ये तुम्हारा प्यार दिखाता है, तुम मम्मी को कितना प्यार करते हो, मम्मी ने एक बार बोल दिया तो फिर आप वो नहीं करोगे। तो अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ खींच रही है, तो क्या मून अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच रहा होगा? तो लो ऑफ मोशन है तीन अलग अलग, राइट? देखो तुम, अगर मैं छोटा लड़का हूँ कोई, है ना, और तुम मुझे मारोगे, तुम बड़े हो तो मुझे कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना, लेकिन जब तुम मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, राइट? भले छोटा हूँ तुमसे, जब मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम्हें इतना लगेगा, मैंने मारा तो सही, पूरी ताकत से मारा मैंने अपनी, लेकिन तुम्हें तो असर ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ज़्यादा शक्ति थी, राइट? तो अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रही है और मून अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी तरह एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है लेकिन इतनी शक्ति नहीं है उसमें कि वो अर्थ को अपनी तरफ खींच ले, लेकिन अर्थ के फोर्स में ज़्यादा शक्ति होती है इसलिए अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच लेता है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ मोशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के हिसाब से। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ का वजन ज़्यादा है एप्पल के वजन से, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। एप्पल खींच तो रहा है लेकिन अर्थ में वजन इतना है कि वो खींच नहीं पाता है अपनी तरफ, इसलिए हमको अर्थ उसकी तरफ खींचते हुए नहीं दिख रही है, हमें क्या दिख रहा है कि एप्पल अर्थ की तरफ खींचा चला आ रहा है। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। अभी आपने सोलर सिस्टम देखी है, सन तो अपनी जगह बैठा ही पड़ा है सेंटर में, सारी प्लैनेट्स उसके आजू बाजू में घूमती रहती है, है ना? तो मतलब ये कि सारी प्लैनेट सन को अपनी तरफ खींच रही है और सन जो है वो सारी प्लैनेट को अपनी तरफ खींच रहा है, और जिसकी जितनी शक्ति होगी उसके हिसाब से वो सन से दूरी बनाए रखें और गोल गोल घूमे जा रहे हैं, है ना? कितने सालों से ना तो सन से ज़्यादा नज़दीक आ गए कभी, ना तो सन से ज़्यादा दूर चले गए। ऐसा लगा कि 1921 में अर्थ और इसके बीच में डिस्टेंस इतना ही था, अभी डिस्टेंस घट गया, हम लोग सन के बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो सोलार सिस्टम में तो रोड भी नहीं बना रखा है भगवान ने, आपने रेस देखी है ना, रेस होती है तो 10 जने यूं लाइन में खड़े होते हैं, है ना, और 10 जने भागते हैं, भागते कहाँ पर है, अपने ही अपने ट्रैक के अंदर दौड़ते हैं। अगर आप दूसरे के ट्रैक में चले गए तो आप आउट, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अपने ही ट्रैक में दौड़ना है स्पीड में, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कि कौन तेज़ भाग रहा है। अगर आप दूसरे के ट्रैक में चले गए तो बेचारे को उसको आप आड़े आओगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना? तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। इसी तरह सारी प्लैनेट्स जो है ना वो अपने अपने ट्रैक में घूमती रहती है, इसीलिए कोई किसी से टकराती नहीं है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स के ट्रैक तो दिखते हैं, है ना? अगर वो लाइनिंग ना डोरी होती तो मैंने ट्रैक के ऊपर 10 जनों को खड़ा रखूं
और गोल सर्कल मारने को बोलूं लेकिन वो ट्रैक ना बनाऊं मैं दौड़ने का, तो क्या होगा? सब लोग एक दूसरे में टकराएंगे, है ना? जब ट्रैक ड्रॉ करके रखूंगा तो सबको पता कि आपको अपने ही ट्रैक में दौड़ना है, तो सब लोग अपने दूसरे बाजू वाले से दूरी बना के ही रखेंगे ऑटोमेटिक। लेकिन अगर ट्रैक नहीं होगा तो कोई इसको धक्का देगा, कोई इसको धक्का देगा। तो अर्थ प्लैनेट्स जो भी सन के आजू बाजू में घूम रही है, तो भगवान ने उनको ट्रैक ड्रॉ करके नहीं दिया। आसमान में आपको दिखता है कि हाँ देखो ये सन का रास्ता है, मून का रास्ता है, मून इसी के ऊपर चलेगा, लेकिन बरसों से वो ऐसे ही चल रहा है ना। आप रोज़ रात को देखना, यहाँ से उगेगा सुबह यहाँ पर गायब हो जाएगा, वही डायरेक्शन होगा। कभी ऐसा हुआ कि हाँ आज इस तरफ हुआ, कल इस तरफ था? From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but objects in the universe attract each other, and this force of attraction between the object is called the gravitational force. तो सिर्फ attraction force जो है वो earth और apple के बीच में, या earth और moon के बीच में नहीं, इसके और इसके बीच में भी है, है ना? लेकिन दोनों का है इसके लिए दोनों अपनी अपनी जगह पर पड़े हुए हैं, वरना क्या होता, इससे टकरा के इसके पास आ जाता। ये हर चीज़ एक दूसरे से टकराती रहती, लेकिन यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन जो है, तो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। इसकी वजह से सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर दिख रही है तुम्हें। वरना मैग्नेट वाला आपने देखा होगा, लोहे की कील यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर मैग्नेट पड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन फोर्स यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है ना? जैसे ही इन दोनों के बीच का फोर्स मैंने जगह कम कर दिया, तो ये खिल्ली को इसके पास जाना नहीं था, लेकिन फोर्स की वजह से जाके चिपक जाती है मैग्नेट में, है ना? तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है बाजू में, तो क्या होगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये अपनी जगह पड़ा रहेगा, अट्रैक्शन नहीं करेगा। ये मैग्नेट है, उसके आजू बाजू में उसकी फील्ड होती है जो हमको दिखती नहीं है। जैसे ही हम नज़दीक ले आए, तो ये आयरन की खिल्ली जो थी इसकी फील्ड में आ गई, इसलिए जाके चिपक जाती है। तो ये यूनिवर्सल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है? अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।